Sarga sajivam sadvaitam savadhutam parijana saitam krishna chaitanya devam Sri Radha krishna padana sahagana lalita Sri Visakhanita Om jnanati viramdhasya jnananjana salakaya Chakshurunmilitam jena tasmai Sri Gurave namo Namam Gurudevaya Dhimate Samamurte Hri Sri Mad Bhakti Sri Rupa Siddhanti Prabhava Sri Mahatmani Namam Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Sri Sri Mad Bhakti Vedanta Narayana Namo Namam Vishnu Padaya Acharya Singharune Sri Sri Mad Bhakti Pratyana Kevi Savati Namini Atimartha Charitraya Swasrita Anancha Palini Jiva Dukhi Sadatraya Sri Nama Primadayana Namayam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Sri Madhi Bhakti Sishanta Saraswati Vinamine Sri Bhargavana Videvi Jaitaya Kripasmai Krishna Sabandha Vijayana Dayini Pravina Madhurjavila-Privata-Jarupa-Anuka-Bhaktita Sri-Gaura-Karuna-Sakti-Vindra-Haya-Namaskuti Namaste-Gaura-Vani Sri-Murtai-Tilatarini Sri-Rupa-Anuka-Pradhava Siddhanta-Dhanta-Hari Namo-Gaura-Vishraya Saksa-Sarakya-Murtai Vipralam-Lala-Samputi Padam-Gujayati Nama Bhakti Vinadaya Sashitananda Namini Gaura Shakti Sarupaya Upanam Gaurai Gaura Vibhava Vistam Nirdeshta Asajana Priya Vaishnava Sarvamsi Jagannathaya Tirinam Panchakalpuru Vasya Kripa Sindhu Bhai Vacha Patitanam Pavane Vaishnava Vibhava Vrindāya Tulasudevari Priyāya Keshavaschata Krishna Bhakti Pradadevi Sattavatari Namo Nama Shri Krishna Chaitanya Vrindānanda Shri Advaita Gadadha Shivasai Gauru Kaptavanda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Krishna Hare Krishna
Krishna, Hare Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Shri Vasadi, Gaur Bhakta Vrinda, Jaya Rupa Sanatana, Bhattaramu. You know, you know, you know.
Sadachandramanti Spuranamana Tingajarati Hari Premutmatam Dhruta Paramasatam Sitamukha Sadavarna Netram Karakalita Vetram Kadivita Padinitanamma Ajanatarukha Kamirati Padinitanamma
Right.
यशोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय सर्वस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यपतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बल हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मैं गुरु पाद पद्म नित्रिला प्रविष्णु कृष्ण पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्रिला प्रविष्णु कृष्ण पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुन प्रणाम करता हूँ। हम लोग अतकल्य श्रवण कर रहे थे श्री माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ से जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है और जो भगवान की भक्ति जो करता है हैं कदे भगवान की जो भक्ति करते हैं कदे भक्ति में इतने शक्ति और किसी चीज को आश्रय लेने का जरूरत नहीं। लेकिन आपके अंदर में सारे गुण हैं लेकिन अगर भगवत भक्ति नहीं तो कदे जितने सारे गुण तुम्हारे सब के सब बेकार हैं। लेकिन भले ही कोई भी गुण तुम्हारे अंदर में नहीं लेकिन भगवान के प्रति तुम्हारी भक्ति है कदे ये सर्वश्रेष्ठ है। देखो जितने राम के भक्त देखो कोई गृध है कोई कौआ चंडाल है कोई सबर है कोई बंदर है हैं लेकिन होने पर भी उनके अंदर में कोई गुण नहीं लेकिन उनके अंदर में एक गुण है भगवान की भक्ति भगवान की प्रेम। इसलिए अभी वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कहते आपके अंदर में सारे सद्गुण हैं हैं सारे सद्गुण रावणों के अंदर में सारे सद्गुण था सारे वेद पढ़ने वाले था सारे सद्गुण थे लेकिन एक गुण थी नहीं भगवान की भक्ति उसके अंदर में नहीं उसका कोई महत्व नहीं कोई उसकी महत्व नहीं। इसलिए यहाँ पर स्थापन किया है भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस तप अप्राणश्चैव देहस्य मंडनम् लोकरञ्जनम् भगवत भक्ति ही न होकर के जाति शास्त्र जप तप सबके सब तुम्हारी बेकार है मंडनम लोक रंजनम। लेकिन मत भक्ति दीप्ताग्नि नाश दुर्मस कलमस कहते हैं भगवान की जो भक्ति है हैं भगवान की जो भक्ति है अगर भक्ति करे ना कर तुम्हारी जितने दुर्जाति है वो सारे दुर्जाति जितने पाप ये भक्ति नष्ट कर देती है सारे को सारी नष्ट कर देती है। क्योंकि जो भक्ति को उदाहरण दिया जैसे अग्नि है जैसे अग्नि को अंदर में कोई चीज डालो ना वो जला कर उसको रास बना देती है। ये भक्ति की इतने महिमा ये भक्ति की ये सारे दुर्जाति अपगुण पाप सबको नष्ट करके जगत में आपको सर्वश्रेष्ठ बना देती है। अभी श्री विश्वनाथ जी ठाकुर उसके बाद में ये भक्ति की महिमा कहते हैं
जैसे यहाँ पर कहते हैं जैसे कर्म योग में वहां पर बहुत सारी विधि निषेध की बात है। जैसे वहां पर उदाहरण उन्होंने दिया है, जैसे कोई यज्ञ करेंगे, यज्ञ करने से पहले हमें देखना पड़ता है पंचांग को कौन सा समय बहुत बढ़िया, कौन सा समय में ये यज्ञ करने चाहिए है, उसका समय देखना पड़ता है। देख करके फिर वो उपयुक्त समय में यज्ञ करोगे तो फिर यज्ञ का फल तुम्हें प्राप्ति होगी है। नहीं तो यज्ञ करते समय अगर तुम्हारी मंत्र है थोड़ी सी अगर उल्टा पुल्टा हो गया फिर रेणुका देना पड़ जाता है। इसलिए इसमें उदाहरण दिया है, कहते त्रष्टा ऋषि ने उन्होंने बोले इंद्र सत्तुर विभर्दस्य, वो यज्ञ कर रहे थे। इसका मतलब है इंद्र का जो शत्रु वो बढ़े, इंद्र शत्रु विभर्दस्य बढ़े, लेकिन उसमें एक नियम है, तीन तरह का स्वर होता है उदात अनुदात और स्वरित, ये तीन तरह का स्वर होता है। जैसे उसमें बताए हर्षो दीर्घ और प्लुत, ये तीन तरह का स्वर होता है। नियम है वेद मंत्र को उसको ऐसे उच्चारण करनी चाहिए, जैसे उसका उदाहरण दिया जैसे मुर्गा को 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 जब सुने मुर्गा को बोलते हुए, उसका ये नियम है, वो मंत्र उच्चारण करनी चाहिए। उसमें था इंद्र सतुर विभर्दस्य, वो ये कर रहे थे इंद्र का जो शत्रु वो बढ़े, लेकिन नियम है यहाँ पर इंद्र शत्रु बढ़े, यहाँ पर नियम था कुछ शब्द को ऊंचा करनी चाहिए कुछ शब्द को नीचा करनी चाहिए, लेकिन जिसको नीचा करना चाहिए उसको ऊंचा कर दिया और जो ऊंचा करना के शब्द को उसने नीचा कर दिया। नीचा कर दिया तो इंद्र का शत्रु बढ़ेगा क्या, हाँ इंद्र का शत्रु बढ़ेगा क्या, और उल्टा इंद्र उसको मारना है। वित्रासुर उससे प्रकट हुआ, वित्रासुर को बढ़नी चाहिए लेकिन इंद्र ने क्या किया, वित्रासुर को उल्टा मार ही दिया। क्यों, उसमें कारण था जहाँ पर धीरे उच्चारण करनी चाहिए वहां पर जोर से बोल दिए और जहाँ पर जोर उच्चारण करनी चाहिए वहां पर उन्हें धीरे बोल दिया, इसलिए यज्ञ का पूरा के पूरा उसने यज्ञ को उल्टा फल हो गया, पूरा के पूरा उल्टा फल हो गया। लेकिन कर्म में है जैसे अब ज्ञान, तभी ज्ञान को आप साधन कर सकते हो, पहले कर्म में आपके अधिकार है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते अर्जुन पहले कर्म को तो अपना हृदय को पहले शोधन कर, फिर जा करके तुम्हारी ज्ञान में अधिकार होगी। जब तक तुम्हारी कर्म को द्वारा चित्त शुद्ध नहीं होगा तुम ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते हो, उसमें नियम है। लेकिन कहते भगवान की भक्ति करने के लिए कोई नियम नहीं, कोई भी भगवत भक्ति के लिए आप जिस अवस्था में क्यों नहीं हो, किसी अवस्था में आप हो, आप भगवान की भक्ति पवित्र हो अपवित्र हो बढ़िया हो अच्छा हो, किसी समय भी भगवान की भक्ति में आप प्रवेश कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देख के समझाए, जैसे अजामिली देखो, नाम सुने अजामिली, उनने जो अजामी ने अपना बेटे का जब भगवान का नाम लिया था, पहला तो कारण था उसने भगवान को बुलाया नहीं, बुलाया किसको, अपना बेटे को बुलाया, भगवान को नहीं बुलाया अपने बेटे को। और जो उसने जो बेटे को बुलाया किसी अवस्था में था, उसी समय तीन जमदूत उसको लेने के लिए आए, भयंकर उनका रूप था और गले में काल फांस को लगाया और खींच रहे थे, उस समय की मारपीट उसको कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे उसको, उसको ले जा रहे थे जमपुरी, लेकिन उसने उसी समय उन्होंने भगवान को नाम को लिया है, भगवत नाम लिया और उनको भयंकर रूप देख करके टाटी पेशाब भी कर रहा था, इसलिए कहते मरते समय ना उसको देख करके पता चलता ये कहाँ गया है, ये इसका गति अच्छी हुई ना उसकी गति बुरी हुई है। अगर प्राण दो तरह से निकले, एक आंखों से और एक तालु से, समझो उसका गति अच्छी हुई। अब देखना अब तो मरते समय किसको देखे होंगे, अब देखना मरते समय अगर उसे आग खुल गया उस समय, इसका मतलब उसका प्राण आंख की तरफ से गया। अगर प्राण छोटे समय अगर ब्रह्मताल भेद करके गया तो उसको गति अच्छी हुई, लेकिन अगर कोई टाटी पेशाब करते हुए गया इसका मतलब है जंतु तो उसको मार मार करके ले गए, मार मार उसको ले गए। क्यों, उसने पाप कर दिया, उसने
पाप कर्म किया, इसलिए अजामिल जिस समय शरीर छूटा उसको मार मार कर ले जा रहे थे। बोले क्यों, बड़ा पापी था, उसने पत्नी को त्याग दिया, अपना परिवार को त्याग दिया, वैश्या शूद्राणी के साथ में रहा, अमेध्य कुमेध्य भजन किया और सारे बच्चों को पालन करने के लिए उन्होंने जितने गंदे से गंदे काम किया, इसलिए उसको मार मार के ले जा रहे थे। इसलिए वो टाटी पेशाब कर रहा था, अपवित्र अवस्था में था, और जो भगवान को बुलाया जो उसको मारते मारते ले जा रहे थे, उसने भय से हैं भय से भगवान को नहीं अपना बेटे को बुलाया। देखो भगवत भक्ति में कितने शक्ति है, कोई कर्म में कोई पवित्र नहीं, चोर गुंडा बदमाशी जितने दुष्कर्म करने वाले, लेकिन केवल उसने बेटे को बुलाया भगवान को नहीं बुलाया, इतने में चार विष्णु तो आ गए और आ करके बोले माँ भय डर की कोई बात नहीं, हम तुम्हें रक्षा करने वाले, हम तुमका रक्षा करने वाले। जब दूत को प्रश्न करते तुम लोग कौन हो, बोले हम धर्मराज के दूत। बोले धर्मराज के नाम धर्म का लेकर के अधर्म कर रहे हो, इसको क्यों ले जा रहे हो? जमदूत ने क्या बताया, हमको पता ही कौन है, आप जानते हो ये कौन है, ऐसे कोई उन्होंने गंदा काम नहीं, जो काम उसने नहीं किया, पता ही कि ना कर्म किया है। लेकिन विष्णुदूत क्या कहते हैं, उन्होंने उदाहरण दिया जैसे घूस का कोई ढेर हो, नहीं तो रुई का कोई ढेर हो, नहीं तो पेट्रोल हो, उसमें एक आग की चिंगारी पड़ जाए, देखना सारा दुनिया को जला करके ध्वंस कर सकता है सारा दुनिया को। अभी जो पुलिस लोगों को आर्मी लोगों मरे हैं ना, बस उसने लगा तो विस्फोट हुआ तो 12 किलोमीटर तक उसका आवाज गई है, हाँ आवाज गई है। इसलिए यहाँ पर बता रहे भगवत जो नाम है सबको जला करके राख कर सकता है, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए उसने हरि का नाम लिया। बोले हरि का नाम कब लिया, तो अपने बेटे को बुला रहा था, थोड़ी भगवान को बुलाया तो अपने बेटे को बुलाया। तो अपने बोले भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है, कितने तरह से, चार तरह से। बोले सांकेत्य मतलब इशारा करके, जैसे बेटा का नाम कृष्ण गोविंद दामोदर नाम रख दिया, उसको इशारा करके बुलाते, इससे भी जीव का कल्याण है। परिहास्यम परिहास पूर्वक भी कर लो, स्तोभम कीर्तन करते हुए भी कर लो, हैं किसी हेला के द्वारा भी कर लो, किसी तरह से अगर भगवत नाम आपने ले लिया तो जीव का ही परम कल्याण कर देता है, हैं। लेकिन कर्म में ऐसे नहीं, कर्म योग में ऐसे नहीं, ज्ञान योग में ऐसे नहीं, ज्ञान में तभी पवित्र कोई प्रवेश कर सकते हैं, पहले आपकी चित्त की शुद्धता होनी चाहिए, चित्त शुद्ध हुए बगैर आप ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते हो, पहले अपना चित्त को शुद्ध कर। लेकिन भगवत भक्ति में किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी अवस्था में भी आप क्यों नहीं हो, आप भगवान की भक्ति को आप कर सकते हो। कामी से कामी, भोगी से भोगी और दुष्ट से दुष्ट, वो भी भक्ति कर सकते हैं। कल सुन रहे थे ना बिल्वमंगल, देखो ये बिल्वमंगल एक वैश्या थी जिसका नाम थी चिंतामणि, वो देखने में बड़ी सुंदर थी वैश्या, लेकिन वो उसको प्रति आसक्त था। लेकिन वो जो वैश्या होने पर भी, लेकिन पहले पहले समय में लोग क्या करते थे, वो सबके सब राग रागिणी गाते थे, वो बड़ी सुंदर भजन गाती थी। लेकिन पहले जो राग रागिणी होता था सब भगवत भक्ति के ऊपर सब चीज थी, ये चिंतामणि के ऊपर में इतना आसक्ति वो था। कहते यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर भक्ति अगर कोई करता है, भक्ति अगर नीचे से नीचे जाति में क्यों नहीं हो, हैं, और जितने पापी से पापी क्यों नहीं हो, अगर वो भगवान का भक्ति करता है ना, कहते उसका जगत में सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाता है। लेकिन आपके अंदर में सर्वगुण है, आप बहुत ज्ञानी है, लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे ना, अगर ज्ञान मार्ग में जाओगे, अगर वहाँ कोई बदनामी होगा तो सारा दुनिया में तुम्हारी बदनामी होगा। यहाँ पर उदाहरण देकर समझा है, ये रावण कम ज्ञानी नहीं था, बहुत बड़ा ज्ञानी था,
इसलिए कहते हैं जिस समय भगवान राम ने रावण को मारा, इतने में लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण, ये जो रावण ये चार वेद को जानता था, बड़े ज्ञानी था रावण, तपस्या को तरह बहुत बड़े कठोर उसने तपस्या की थी, तपस्या को तरह सब कुछ उसने प्राप्त किया था। अब देखो ना तीनों भाई ने कैसे कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या की, और बड़े ज्ञानी से ज्ञानी था, बोले जाओ कुछ ज्ञान लेकर के आओ। तब लक्ष्मण गए, बोले भैया ने आपके पास में भैया अंतिम समय में कुछ ज्ञान दो। इतने में उसने क्या बोले हाँ, रावण बोले देखो लक्ष्मण मेरे से दो गलती हो गई, लेकिन आप कभी दो गलती नहीं करना। बोले दो गलती क्या हो गई, कहते मैं सोच रहा था पूरा समुद्र पानी को मैं मीठा बना दूं, और सोच रहा था दुनिया चाहता है स्वर्ग जाने के लिए मैं सीढ़ी बना दूं, हाँ सीढ़ी बना दूं, ये मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं था, मैं चुटकी बजा दी कर सकता था, लेकिन मेरे से गलती हो गई हाँ? गलती हो गई, क्योंकि कल कर सो आज करो और आज कर सो आज, पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी। इसलिए नियम है अच्छे काम जल्दी से जल्दी करने चाहिए, लेकिन गंदे काम को लेट करनी चाहिए, लेकिन मैंने लेट कर दिया। अगर ये दो काम करता ना अपने आप स्वर्ग ही पहुंच जाता। क्यों, समुद्र पानी तीन भाग चार भाग में तीन भाग तो समुद्र है, तीन भाग तो समुद्र पानी, लेकिन किसका प्यास नहीं बुझा सकता, किसका प्यास नहीं बुझा सकता। अगर उसको मैं मीठा बना देता ना सारा दुनिया के, तो भैया पानी मीठा किसने बनाया, रावण ने, मैं तो अपने आप स्वर्ग चले जाता, मुझे सीढ़ी किसने बनाया, रावण ने, मेरे से गलती हो गई। अंतिम समय में से क्या देता है, कोई अच्छा काम हो ना उसमें लेट मत करो, उसको जल्दी करो, उसको जल्दी करनी चाहिए। बड़ा ज्ञान था रावण, और कहते श्री कहते रावण और श्री हिरण्यकशिपु बहुत बड़े ज्ञानी था। भागवत पढ़े हो, कौन कौन पढ़े हो जी, जिस समय हिरण्यकश्यप के भगवान ने वध किया बराह अवतार में, वहां पर हिरण्यकश्यप जो ज्ञान दे रहा था ना परिवार को, आप सुन सुनकर धन्य रह जाओ, इतने ज्ञान उनको समझा रहा था, उनको परिवार को इतने ज्ञान को समझा रहा था, क्या ज्ञान उसने दे रहा था, शरीर क्या आत्मा क्या अनाप्त किया, और ये शरीर कैसे नष्ट होने वाले, वो अक्ष ज्ञान दे रहा था। जैसे उदाहरण दिया, जैसे पानी है, देखना वहां पर तालाब के पास में पेड़ होता है, अब देखना जो पानी हिलती है ना उसका जो परछाई पानी में गिरेगा तो वो परछाई भी हिलती है, लेकिन थोड़ी पेड़ हिल रहा है वो परछाई हिल रही है। जैसे ये घर में हम रहते हैं, अगर घर नष्ट हो गया मतलब हम क्या नष्ट हो गए, उसको किसी उदाहरण देकर समझा रहा था, ऐसे उदाहरण देकर समझा रहा था। उसी तरह जो आत्मा है कि न जायते न म्रियते अजो नित्य शाश्वत, ये आत्मा, आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मरती है, अरे शरीर के लिए क्यों दुखी हो रहे हो। उसने फिर जो उन्हें एग्जाम्पल दिया कबूतर, और कबूतर को उसने उदाहरण दिया, क्या उन्होंने उदाहरण दिया, खबरदार आसक्ति मत हो करो, उन्होंने उदाहरण दिया एक कबूतर एक कबूतर रहते थे हैं, दोनों एक कट रहते थे, दोनों हैं बचपन से दोनों रहे, जैसे पति पत्नी दोनों जिंदगी भर इसमें बिताए, लेकिन अपने इतने में घोंसले में उनको कुछ बच्चे हुआ, अंडा अंडा कुट्टे में छोटे बच्चे हुए। अभी दोनों गए आहार चुगने के लिए, जो आहार चुगने के लिए गए, इतने में एक बहेलिया ने चावल किनका उन्होंने बिखार करके बिखार दिया, और चाल को बिछा करके दूर में बैठा हुआ। इतने में दोनों पति पत्नी पेड़ में बैठे, बैठे तो इतने में उसकी पत्नी कह रही, बोले देखो मोती जैसे चावल का खिड़का, वो हाँ खिड़का जैसे मोती जैसे बिखर, चलो हम दोनों खाएंगे बच्चों के लिए ले जाएंगे। पति समझाता है, बोले खबरदार यहाँ पर थोड़ी कोई सेट है जो कि तुम्हारे लिए ये चावल को बिखा कर बिखार कर रखेगा, लगता है कोई बहल या नहीं षड्यंत्र रचाए, खबरदार मत जाओ। पत्नी कहती है पुरुष लोग ऐसे संदेह है, अरे सामने बिखर रहा है चलो खाओ बच्चों के लिए ले जाओ, वो पति का बात नहीं अफर करके उठते हुए गया, पास चुगने लग गया। लेकिन सचमुच से ये बहेलिया जाल बिछा करके बैठा हुआ था, जो वो खा रहा था झट जाल को फेंक दी, और पत्नी अंदर में आ गई। तो अभी पत्नी अंदर में उसका पति बाहर, अभी पति जा करके उसको चोंच में चोंच लगा करके
बोले हम दोनों कितने प्यार से जिंदगी भर रहे, और देखो काल का क्रूरता को देखो, अगर तू रह जाती तो बच्चों को पाल लेती, मैं पुरुष हूँ बच्चों को तो मैं पाल नहीं सकती हूँ, हैं तू रह जाती तो बच्चों को पाल लेती, भगवान हम दोनों को मेरे को क्यों नहीं लेंगे तेरे कैसे। वो बैलिया दूर से देखा, वो लोग इतने मुग्ध उठाया उन्होंने अपना तीन बाण और मारा उसने, किसको जो बाहर था, तीन मारा तो इस पार से उस पार हो गया, और फंसते हुए आए दोनों का टांग को बांधे और गले में लटका लेते चले, कंधे में लटका लेते चले। इसलिए कौन समझा रहे हैं, ये हिरण्यकशिपु समझा रहे हैं, हैं हिरण्यकशिपु समझा रहे हैं इनको, जो हिरण्याक्ष का जो पत्नी बच्चों को समझा रहे, खबरदार ये माया है, एक तो गया ही गया और तुम भी अगर ऐसे मुग्ध हो गए तुम्हें भी काल पकड़ कर ले जाएगा, खबरदार इसका आसक्ति छोड़ शरीर का, ये नश्वर है शरीर, ऐसे ऐसे ज्ञान बता रहा है, ऐसे ऐसे ज्ञान की बात बता रहा था, लेकिन ये तो बड़े ज्ञानी थे, लेकिन भगवान की भक्ति में इनकी रुचि भक्ति नहीं करते थे, लेकिन दुनिया देखो इतने बड़े ज्ञानी होने पर भी दुनिया में बदनामी है, रावण का थोड़ी भी अच्छा था, अभी रावण कैसे काम किया, अभी देखो रावण को जलाते तृतीय युग में उसने ऐसे काम किया, अभी तक उस पर रावण को जलाया जाते बदनामी अभी तक उसको हो रही है, ये हिरण्याक्ष के हिरण्यकशिपु ऐसे काम किया अभी भी इनकी बदनामी उनमें, कल सौ वो भी बड़ा बड़ा ज्ञानी था, वो कम ज्ञानी नहीं था, वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन अभी भी देखो इनकी बदनामी सारा दुनिया में, अभी कहां सत्य युग में कोई आए, ज्ञानी में अगर तुम कोई असत कर्म किया है जितने बड़े ज्ञानी की उन्हें उस पर निंदा होगा, लेकिन भक्ति में देखो, भक्ति के लिए उदाहरण देते हैं, तुम सर पड़ दिया माता है, दोनों शराब पीते थे, मांस खाते थे, रास्ता में बैठ जाते, रास्ता बंद, ट्रैफिक जाम, कोई जा नहीं सकते है, ऐसे थे, और श्री बिल्वमंगल अभी जिसकी कथा सुनाने जा रहे थे, वैश्या पर आ सकती था, उसको पास में जाए बगैर रह नहीं सकता था, और एक नदी पार होकर उसको जाना पड़ता था, एक दिन क्या हुआ उसके घर में पिता शरीर छोड़ दी, लेकिन वो तो पागल चिंतामणि के लिए, वो तो पागल चिंतामणि के लिए, इतने में उसने अपना पिताजी की सब क्रिया क्रिया करते करते लेट हो गया, अभी वो गहरा बारिश हो रही है, लेकिन उतना वो आसक्ति था, तब भी उसी में भी उसने नदी पार करते हुए गया, और जा करके उसने दीवार के ऊपर चढ़ा और वहीं से रात्रि बंद कर दिया था घर, उससे छलांग उसने लगाया, लगा धड़ाम करके आवाज हुई, चिंता मणि दिया जला कर उठा, लेकिन कौन है, देखा बिल्वमंगल, बोले तू ये दीवार पार कैसे किया, बोले एक रस्सी लटक रहा था, वो रस्सी को पकड़ करके ऊपर चढ़ गया, बोले रस्सी कहां से आएगा, वो दिया जला कर देखा सांप, बोले तूने ये नदी कैसे पार की, बोले एक लकड़ी बह रही थी, बोले लकड़ी का लकड़ी कहां से, वो दिया जला कर गया, लकड़ी नहीं मरा हुआ सब, वो मरा हुआ सब था, अब जब सब जब मर जाता है ना शरीर फूल जाता है उसका शरीर, उसको उसने इतने बदबू, लेकिन उसको भी समझ ले कि लकड़ी, चिंतामणि बोले हाय रे ये शरीर किस चीज में बनी गर्द बताए, इसमें केवल टाटी पैसा खून और पी, उसमें कुछ है ही नहीं, पेट को फार कर रखो सब भाग जाएगी यहाँ से, बदबू को मारे देखा नहीं जाएगा, इसलिए बोले पंच रचित ये अधम शरीर, इसको अधम शरीर बताया है, अधम, आप सवेरे देखो सवेरे उठ करके मुंह से भी बदबू, नाक से भी बदबू, आंख से भी बदबू, कान और नीचे से तो बदबू बदबू है ही है, नाक द्वार में बदबू, अब देखना गर्मी का समय में देखना जब पसीना निकलता है शरीर से खुशबू ना बदबू निकलती है, आप ब्यूटी पार्लर में जाओ बड़े सुंदर सज धज करके आओ, अगर गर्मी हो ना 5 मिनट ही सब बेकार, देखना शरीर से प्रत्येक रोम रोम से बदबू बदबू निकलती है, इसलिए चिंतामणि ने बोले तो शर्म नहीं लगता है, ये टाटी पेशाब शरीर में तू इतने आसक्ति हो गया, इसमें शरीर में तू जितने आसक्ति सांप को तुमने रसी समझ लिया और सब को तुमने समझ लिया लकड़ी, ये शरीर में तुम्हारी जितने प्रेम तुम्हारी जितने आसक्ति उसका एक गुण आसक्ति अगर भगवान के प्रति कर लेता ना तेरा बेड़ा पार हो जाता,
क्योंकि वो राग रागिणी जानती थी, शास्त्र ग्रंथ जानती थी, सचमुच से उसका हृदय बड़ा ठेस पहुंचा और पिताजी की श्राद्ध उसने शरीर छोड़े लेकिन इतने पागल उसको प्रति वो इतने पागल था उसको बड़ा ठेस पहुंचा। बोले और नहीं, उसने सब त्याग देकर फिर गया। फिर उसने गया बोले गया बोले भजन करने के लिए, लेकिन प्यास लगी गया कुएं के पास में पानी पीने के लिए। गया तो वहां पर एक सेठान देखने में धोबी थोड़ी सुंदर थी, तो गया तो उसने देखा साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी है उनकी कैसे है, वो पानी पिलाए, जब पानी पिलाए तो देखने में बड़ी सुंदर थी। फिर उसको बोलते आसक्ति हो गया, आसक्ति हो गया तो वो उसने क्या किया उसको पीछा 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 किया। उसने देखा भैया बाबा मेरा पीछा क्यों कर रहा है, वो तो डर गई घर में घुस गई और ये गया दरवाजा पर खड़ा हो गया। सेठ घर से निकला, निकला देखा दाढ़ी वो कोई साधु है। बोले बाबा आपको क्या सेवा करें, बोले थोड़ा पत्नी को बुलाओगे। उसने पत्नी को बुलाया, पत्नी बोले नहीं 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 वो कुएं से मेरा पीछा कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। बोले अरे संत है, पहले तो संतों के प्रति लोग का विश्वास था ना, ये संत तो कोई चिंता मत करो मैं हूं ना वो संत है। जब उसकी पत्नी आई बोले अब क्या चाहिए मेरी पत्नी से, अब देखना पहले जो बाल जो खोपा बांधते थे कांटा से है, कांटा से उसको क्या बोलते उसको बांध कर रखते थे, कांटा लगाते थे, कांटा लगाया करते थे। बोले उसको सर में केस में दो कांटा हो तो कांटा दे दो, उनको तो पता नहीं चला ये कांटा क्यों मारता है। जो उन्होंने दो कांटा दी उनको सामने दोनों आग उसने फोड़ दिया। बोले क्यों, बोले न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जो आग है ना जितने दुष्ट है, आप भजन करने के लिए बैठो हमारी मन उल्टा पुल्टा चीज में क्यों जाती है, कभी आंखों से जो चीज देखा हुआ होता है ना ये आंख क्या करता है फटो बना देता है, हैं? और सारे अंदर में की गंदी चीजों को सारे डालता रहता है, सारे गंदी चीज को डालता रहता है। आप सुने होंगे एक संत राम भद्राचार्य है, वो रामानंद संप्रदाय के भगवान, आप सोच नहीं सकते वो अंधा है, वो अंधा है क्या ज्ञान है। अभी मुझे लगता है पृथ्वी में इतने बड़ा ज्ञान नहीं, सारे गीता याद, पूरा तुलसीकृत रामायण याद, पूरा भागवत उसको याद, जितने पुराण वेद सब उसको याद है। कारण क्या है, वो अंधा है, अंधा होने का नाते वो तो दिखता नहीं, जो कुछ सुनता है अंदर में ग्रहण करता है। इसलिए जो शब्द प्रमाण को जो सर्वश्रेष्ठ बताया वो शब्द प्रमाण है, वो कान से सुनता रहता है, सुनते सुनते मन तो इधर उधर भटकता नहीं, इसलिए इंद्रिय कंट्रोल है, कंट्रोल होने का नाते सारे वस्तु को उसने ग्रहण किया, इतने बड़ा विद्वान। इसलिए कि जो आंख है ना अभी जगत में देखना जितने उल्टा पुलटा क्यों होता है, ये स्मार्टफोन ये दुनिया में तो सबसे ज्यादा ये गड़बड़ी किया है, इंटरनेट टीवी ये सब चीज को देख 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 करके बुद्धि खराब हो जाता है। अभी बच्चे लोग सारे गलत रास्ता पर भाग रहे हैं, सारे गलत रास्ता पर, इतने उसने आंख ही फोड़ दिया, उसने आंख को फोड़ करके बास चल पड़ा वृंदावन के लिए। अच्छा हुआ ये आंख हमारी गंदी चीज में जाता था, इतने वृंदावन जाएगा फिर कृष्ण स्वयं आए। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो, बोले वृंदावन, बोले मैं भी वृंदावन चल रहा हूँ। बोले लाला थोड़े से मेरी लपटी पकड़ करके वृंदावन ले चलोगे, कृष्ण स्वयं आकर उनको लपटी पकड़े और उनको वृंदावन को ले गए। वृंदावन में उन्होंने जहाँ पर कालिया था ना है, वहीं पर उन्होंने तपस्या किया, तपस्या वहीं पर उन्होंने तपस्या की और कृष्ण स्वयं जुगल सरकार स्वयं वहां प्रकट होकर के उनको लास्ट में उनको दर्शन वहां पर प्रदान किया। देखो वो पहले वो चिंतामन के प्रति आसक्ति था, बड़ा आसक्ति था, लेकिन अभी दुनिया किया उसका बुरा चीज को देख रहा है नहीं, उसका अच्छा ही देख रहा है। देखो कितने बड़े संत बनाए। इसलिए यहाँ पर अजामिल वो भी था दुष्ट बदमाशी, लेकिन अभी दुनिया उसको दुष्टता को नहीं देखते हैं, उसको साधुता को देखते हैं और दुनिया में उसकी नाम कितने, उसको दुनिया में उसकी नाम कितने जय जयकार हो रहे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तुम परम ज्ञानी कर्मी हो, हैं? जैसे श्री नृग महाराज हैं, वो बहुत बड़े दाता थे लेकिन थोड़ी सी उल्टा पुल्टा हो गया, गैया को उसने
दान दिया एक ब्राह्मण को, कैसे भूल से आ गया, बदला हो गया, तो उसको गिरगिट बनना पड़ा। लेकिन उसने एक साधु का सेवा किया था, एक साधु को भागवत ग्रंथ प्रदान किया था, इसका फल क्या हुआ? कृष्ण दर्शन, कृष्ण दर्शन उसको भी। लेकिन उसने जो इतने दान किया था कर्म कर भी ब्राह्मण को, उसका दुर्गति हुई है। इसलिए कर्म और ज्ञान में अगर अपने उल्टा पुलटा हो जाए तो सारा दुनिया आपकी बदनाम करेगी। लेकिन भक्ति में अगर तुम्हारी भक्ति कर रहे हो, हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने दो चार श्लोक उन्होंने उदाहरण देकर बोले कि जो रासलीला है, हैं, तुम्हारे हृदय में पूर्ण रूप में काम ही काम। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्तों से अगर विक्रीडितम ब्रजवधु इदं च विष्णु, भगवान के अगर ये रासलीला को अगर आप श्रवण करोगे, हृदय पूरा तुम्हारी गंदा हृदय, पूरा गंदा ही हृदय, अगर किसी शुद्ध भक्तों की मुखारविंद से अगर ये भागवत कथा सुनोगे, हाँ रासलीला भगवान की सर्वश्रेष्ठ लीला, लेकिन तुम्हारे हृदय जल से जल्दी हृदय पवित्र हो जाएगा और तुम एक दिन भक्ति पराम भगवती, तुमको भगवत भक्ति और भगवत प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए संपूर्ण काम रहते हुए भी तुम भगवत भक्ति कर सकते हो, भगवत भक्ति में तुम्हारी अधिकार है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण कहते हैं अभिचेद सुदुराचारो भजते मांग अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थिते। कृष्ण कहते हैं अभिचेद सुदुराचार, देखो बहुत कृष्ण बहुत कुछ बात कह रहे हैं, बोले अत्यंत अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी, जैसे बिल्वमंगल दुराचारी था, है आप लोग चंडीदास का नाम सुने हो, सुने तो चंडीदास नहीं सुने तो क्या सुने। इसलिए ये चंडीदास भी ये बहुत बड़े बहुत बड़े, इनकी जो कविता है ना प्रभु जी, राधा कृष्ण की प्रेम को भ्रमर जो हमारे जो कीर्तन भाई में, क्या उसने राधा कृष्ण की प्रेम की चरम सीमा, जिसको चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में बैठ बैठ करके जिन ग्रंथों को रसवास्वादन करते थे, ग्रंथों को रसवास्वादन करते थे, इतने हाई हाई राधा कृष्ण की प्रेम लिखा। लेकिन जानते हो क्या करते थे चंडीदास, कि चंडीदास एक धोबिनी, धोबिनी जानती हो जो कपड़ा धुलाई धुलाई करती, वो देखने में सुंदर थी, वो जहाँ पर वो कपड़ा की धुलाई करती थी, जहाँ पर साफ करती थी नदी में, ये चंडीदास पहले उसके ऊपर तो आसक्त था, बहुत आसक्त था वो रजकिनी, हैं, ये क्या करता था पहले तो ऐसे नहीं जिसको साथ में हालो और ये करते ना, पहले तो बड़ा परिचित था, किसी स्त्री से कोई पुरुष बिना कारण से बात नहीं कर सकता और पराई स्त्रियों को तो कोई बात ही नहीं कर सकता था, वो बेचारी वहीं पर कपड़ा रोज धोती थी। लेकिन ये क्या क्या करता था उसको साथ में प्रेम और धीरे धीरे बात करने के लिए, आप देखे जो मछली पकड़ते ना बंसी, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांटा जो उसको करते हैं बंसी, उसको जो मछली ऐसे जैसे होता है ना उसमें कुछ चीज दे करके मछली जो पकड़ते हैं, मछली जो पकड़ते हैं, इसलिए उसने जान बूझ करके ना उसको पास में जाकर के मछली पकड़ने का बहाना करता था, वो मछली नहीं उसकी पकड़ने के लिए बहाना करता था। ऐसे बहुत दिन तक बीत गया, लेकिन पहले ऐसे तो नहीं कोई लड़की बात कर ले, लेकिन वो समझ गई ये मेरे से प्रेम करना चाहता है, इसलिए पास में आकर के बहाना बना करके ये मछली पकड़ने का बहाना बनता है। एक दिन कुछ रजक की जो धोबिनी थी, एक दिन पूछा चंडीदास को, बोले क्यों चंडीदास इतने दिन से तुमने ये बंसी फेंक रहे हो, मछली पकड़ने के लिए कोई मछली आया कि नहीं? देखो वो क्या कहता है, बोला हाँ इतना दिन से को बाद में अभी वो जो मछली है ना थोड़ी सी उसमें मुंह भरा है, मतलब इतने किसको पकड़ना चाह रही थी, वो धोबिनी को साथ में प्रेम करना चाह रहे थे, बोले ना इतने दिन के बाद में ना उसने थोड़ी सी एक बार उसने मुंह की उसने ठोकर मारी, तो मुंह लगाया है, फिर बाद में उसको साथ उसने प्रेम किया, उसके साथ में फंस गया। लेकिन बाद में उसने इतने भजन इतने भक्ति उसने की, बाद में सब कुछ छोड़े और इतने बड़े भक्त वो बने, इतने बड़े, उसका नाम चंडीदास, क्या उसकी पद है राधा कृष्ण की। लेकिन एक रजकिनी को साथ में धोबिनी को साथ में उसने प्रेम की, लेकिन बाद में सब कुछ छोड़कर मुझे भगवान के भक्त बने ना,
अब उसका पीछे चीज का कोई नहीं देखते हैं, पहले गलती करता था उल्टा पुल्टा कर नहीं, अब उसकी भक्ति की प्रशंसा है। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं भैया ज्ञान और कर्म के लिए आपके अधिकार की जरूरत है, लेकिन भक्ति करने के लिए क्या कोई अधिकार की जरूरत नहीं। आप किसी स्थिति में भी भगवान के भजन को शुरू कर सकते हो, और जो भगवान की भक्ति करते हैं पहले जितने ही तुम्हारे अंदर में दुर्गुण बदनाम क्यों नहीं हो, लेकिन जब भगवान की भक्ति करके जब भक्त बन जाओगे पिछले बच्चे को कोई नहीं देखते हैं। अभी उसने कैसे भगवान की भक्ति करते हुए कैसे भगवत प्राप्त किया, ये चीज को देखते हैं। इसलिए भगवत भक्ति सर्वश्रेष्ठ, भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। बोले श्री भक्ति महारानी की जय, राधा रानी की जय। हां, कहते भक्ति देवी हृदय में प्रकट होकर के सारे जितने तुम्हारे दुर्गुण को नष्ट कर देती है, और ये भक्ति तुम्हें जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान तुम्हें ये प्रदान करती है। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, श्री गोविंद गोपीनाथ भजन की जय।
राधा का बने राधा श्याम सुंदर दव्यंदर दामोदर की जय अनंत गुरु गौर भक्त वृंद की जय समाज गौर भक्त वृंद नित्यानंद त्रयोदशी की जय बलहराई पंडित तत्वावधि देवी की जय चंद्रकांत की जय